पहले कांग्रेस और फिर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी उपचुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में ये बात अखिलेश यादव ने कही। एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अंजाम देख चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हालांकि उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन को लेकर बातचीत पर अखिलेश ने कहा कि छोटे दलों से बातचीत जारी है। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद मायावती के आरोपों पर पूछे गए सवालों के जवाब में अखिलेश ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बता दें कि अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया था। इस गठबंधन को यूपी के लड़कों का साथ बताया गया था, लेकिन बावजूद इसके चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दशकों पुरानी अदावत को भुलाते हुए बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया था, लेकिन इस बार भी अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिला। पार्टी महज 5 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी, जबकि परिवार के 3 सदस्य भी हार गए।